चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए राजनीतिक दलों के चंदों का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उन आंकड़ों के मुताबिक केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को सबसे ज्यादा 60.61 अरब रुपए बतौर चंदा मिले हैं, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 14.22 अरब रुपए दान में मिले हैं। बड़ी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाकर दान लेने वाली पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाले दलों में ममता बनर्जी की पार्टी TMC 16.10 अरब रुपए के साथ दूसरे नंबर पर रही है, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। अब आपको ये भी बताते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा। बीजेपी को सबसे ज्यादा 60.61 अरब रुपए, ममता बनर्जी की पार्टी TMC को 16.10 अरब रुपए, कांग्रेस को 14.22 अरब रुपए, भारत राष्ट्र समिति को 12.14 अरब रुपए, बीजू जनता दल को 7.75 अरब रुपए, DMK को 6.39 अरब रुपए, YSR कांग्रेस को 3.37 अरब रुपए, तेलुगु देशम पार्टी को 2.18 अरब रुपए, शिवसेना को 1.59 अरब रुपए, राष्ट्रीय जनता दल को 72.50 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 65.45 करोड़ रुपए मिले। किन दलों को मिले सबसे कम दान? गोवा फॉरवर्ड पार्टी को सिर्फ 35 लाख रुपए मिले, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख रुपए, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 55 लाख रुपए, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 5.50 करोड़ रुपए मिले हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच 1260 कंपनियों और लोगों ने 12,155.51 करोड़ रुपए मूल्य के 22,217 बॉन्ड खरीदे हैं। 23 राजनीतिक दलों ने इन बॉन्ड को भुनाया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 5 मूल्य वर्ग में खरीदे गए हैं। इसमें न्यूनतम ट्रांजैक्शन 1,000 और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का है। बाकी 10,000, 1 लाख और 10 लाख रुपए के मूल्य वर्ग में बॉन्ड खरीदे गए थे। वहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिलने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। किस तरीके से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जो जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहां कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है।